वेलकम बैक टू माय चैनल अनुटेक्नोलॉजी. दिस इज अनुराधा यादव. एंड गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो का ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे तेजी से वायरल हो रहा है. सो होप यू लाइक इट. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले गाइस, आपको काइनमास्टर ओपन करना है. 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है. एंड उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा. उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक वीडियो मिल जाएगा. उस वीडियो को कोई भी ब्राउजर से आप कॉपी करके डाउनलोड कर सकते हैं. तो इस वीडियो को आपको जस्ट यहाँ पे ला लेना है काइनमास्टर में. बट इसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो फर्स्ट के 21 सेकेंड्स की आपको जस्ट वीडियो पे ऐसे टैप करना है एंड 21 सेकेंड को कट कर देना है. ओके, अब आप देख सकते हैं अब कहाँ तक हमें चाहिए. तो जैसे मैं यहाँ स्टार्ट करती हूँ, ये बॉल जैसे ही कैमरा को आकर हिट कर रहा है, बस यहीं तक चाहिए. तो हम इस पर टैप करेंगे, सीजर पे जाएंगे एंड इसको ट्रिम कर देंगे एक्स्ट्रा वाला. ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज़्यादा इधर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना. नीचे एडिटिंग का ऑप्शन है, उस पर जाना है. एंड ऊपर में आप देख सकते हैं 4.5 पे है, तो इसको आपको जस्ट ड्रैग करके लेफ्ट साइड आना है एंड इसको 1 पे कर देना. ओके, 1 पे मैं कर देती हूँ. एंड उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन पे टिक कर देना एंड ओके कर देना. ठीक है, अब गाइस आपको क्या करना है, सिंपली आपको मीडिया का ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से आपको फोटो सेलेक्ट कर लेना है. ठीक है, जो भी फोटो आपको चाहिएगा ले लीजिएगा. टोटल आपको 9 फोटो चाहिए, तो आप देख सकते हैं टोटल 9 फोटो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया. एंड अगर उसके बाद भी कोई भी फोटो फुल स्क्रीन नहीं होता है, तो जस्ट उसके ऊपर सिंपली टैप करना है, यहाँ पे आना एंड यहाँ से आपको जूम करके ये इक्वल टू के साइन पे क्लिक कर देना. फिर सारा फोटोज जो भी मतलब जूम नहीं होगा फुल स्क्रीन हो जाएगा. ओके, अभी हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट फोटो जो आपको दिख रहा है, फर्स्ट फोटो पे आपको जस्ट ऐसे क्लिक करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट फोटो को. तो मैं कर लेती हूँ ऐसे. एंड फिर क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको गेट मोर पे आ जाना है. एंड यहाँ से आपको एक ग्राफिक को डाउनलोड करना है. इन एनिमेशन आपको दिख रहा है, इन एनिमेशन को जस्ट आपको टैप करना है. ठीक है, टैप करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा. बहुत ही छोटा है, 2 MB का है. ओके, तो ये डाउनलोड हो रहा है. ओके, हो गया. अब जब इंस्टॉल हो गया तब यहाँ से हम सिंपली इसको कट कर लेंगे. ओके, कट करने के बाद गाइज अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फोटो पे फिर से आएंगे, क्लिप ग्राफिक्स पे जाएंगे एंड यहाँ से इन एनिमेशन पे जाएंगे एंड यहाँ से ड्रैग करके नीचे आ जाएंगे. बहुत सारा इफेक्ट है, नीचे आएंगे और 33 आपको दिखेगा. 33 को आपको सेलेक्ट कर लेना, वही इफेक्ट लगाना है इन एनिमेशन वाला. सेकेंड वाला फोटो पे भी जाएंगे, क्लिप ग्राफिक्स पे जाएंगे एंड यहाँ से फिर इन एनिमेशन पे जाएंगे एंड यहाँ से भी 33 नंबर वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे. ओके, तो ऐसे करके सारा फोटो पे मैं जल्दी से इन एनिमेशन का ये इफेक्ट लगा लेती हूँ. ओके, तो फाइनली मैंने सारा फोटो पे लगा लिया. अब आपको क्या करना है गाइज, आपको इसमें म्यूजिक ऐड करना है, तो आपको म्यूजिक पे जाना है यहाँ से. फिर आपको एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में म्यूजिक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा. ओके, तो म्यूजिक आ चुका है. अब मैं थोड़ा वॉल्यूम तेज कर लेती हूँ ताकि मुझे अच्छे से सुनाई देगा. ओके, तो अब देख सकते हैं कि कुछ कुछ जो वीडियो है वो ज़्यादा है और हमारा म्यूज़िक कम है, तो हम उसे एडजस्ट करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम यहाँ से जैसे प्ले करेंगे, आपको खुद ये करना है. तो ओके, जैसे कैमरा को हिट कर रहा बॉल, वहाँ पे एक बीट है, तो ये हमारा बीट सही है. सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीट जो दिख रहा है बेस, यहाँ पर हमारा ये थर्ड फोटो होना चाहिए. ठीक है, ओके. फिर फोर्थ फोटो हम देखें तो वो बेस के जस्ट ऊपर है, तो वो सही है. फिर फिफ्थ फोटो को हमें सही करना है, उसका लेंथ ज़्यादा हो गया, तो इसका लेंथ को हम फिर इस बेस से बराबर कर देंगे. फिर नेक्स्ट फोटो हमारा इक्वल है, फिर ये वाला इसको भी हम इसका बराबर कर देंगे एंड ये भी इक्वल है. इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, थोड़ा कम लेंथ लग रहा है. ओके, फिर ये वाला लेंथ भी हमारा सही है एंड लास्ट वाला लेंथ को भी हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं. ओके, एंड इसको भी, इसका लेंथ भी हम थोड़ा छोटा. ओके, तो फाइनली ये हो गया है गाइस, हमारा वीडियो एडिटिंग जो है कंप्लीट हो चुका है. अब बस आपको क्या करना है मैं बता देती हूँ. ये करने के बाद आपको ऊपर जाना है एंड इसको एक्सपोर्ट कर लेना है ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके.